आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। अभी तक हमने बहुत सारे प्रेपोजिशन बताए, आप लोगों ने देखा, उसको पसंद किया, लाइक किया और शेयर किया, उन सबको धन्यवाद। और हमने ये दिखाया कि रटाया कोई चीज़ नहीं, मिला एक एक पॉइंट क्लियर किया कि पोजी किस पोजीशन पर कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, यह क्लियर किया। अब आगे चलते हैं। आन और अपान, आन माने ऊपर, अपान माने भी ऊपर, तो बताओ बेटा दोनों में अंतर क्या है? सही बताया आपने, आन जो है यह स्थिरता बताता है और अपान जो है यह गति बताता है। समय नोट कर लिया, आन जो है यह स्थिरता बताता है और अपान जो है यह गति बताता है। तो एक वाक्य लिखो, जैसे लिखा बेटा सी वाज ड्राइविंग द कार डैश डैश द रोड। क्या रोड? सी वाज ड्राइविंग द कार डैश डैश द रोड, बोलो। अपान, ये देखो बेटा तुमने अपान भरा, वाक तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब यह जानना चाहोगे ना कि आन है क्या चीज, किस पोजीशन पर आन लगता है। देखिए बेटा आन की पोजीशन क्या है, यह हम क्लियर करने जा रहे हैं, किस पोजीशन पर आन लगाओ। देखो यह किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, ऊपर हो, टच हो, उसके ऊपर कोई तीसरी चीज ना हो, कोई तीसरी चीज ना हो, इस स्थिति पर क्या लगता है? अगर यहां पर इस समय पेन की पोजीशन क्या है, पेन इज इन बिटवीन द पाम एंड द बुक, इस पोजीशन पर आन लगेगा। किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, टच हो, उसके ऊपर कोई तीसरी चीज ना हो, वह वहीं पर खड़ी हो, स्थिर हो, या उसी के ऊपर कबड्डी खेल रही हो, दैट इज कॉल्ड क्या, यह आन की पोजीशन है। देखो रुकना भी आन है और इसी पर चले, इसके बाहर ना जाए, दैट इज कॉल्ड आन। तो यह समझ लीजिए सड़क है, यह कार है, कार इसी के ऊपर चल रही है, देखो दिस इज कॉल्ड ऑन। तो यहां पर अपान का प्रयोग गलत होगा, क्या होगा, ऑन होगा, अपान गलत। जैसे कहा बेटा द गर्ल्स वर प्लेइंग कबड्डी डैश डैश द रूफ, ऑन द रोड होगा ना, कबड्डी, बोलो क्या हो रहा। आप बताइए लड़कियां कबड्डी खेल रही हैं तो एक जगह छत पर तो इसे खड़ी होकर खेलेंगी, गति होगी, लेकिन उसी छत पर होगी, इसलिए क्या लगा होगा, ऑन। आन क्यों लग रहा है, समझना ना। जैसे कहा गया लिंकन वाज वॉकिंग डैश डैश द डेक ऑफ द शिप, बोलो क्या हो रहा है। लिंकन वाज वॉकिंग, गत कर रहा है लेकिन छत पर, जहाज की छत पर, तो आन रहे बेटा, स्थिरता मतलब उसी पर ही बनी रहे। ऐसे लिखा बेटा जया वाज डांसिंग डैश डैश द स्टेज, क्या बोलोगे, जया वाज डांसिंग ऑन द स्टेज, एक जगह खड़ी होकर इसे नाचेगी कि खूब गत करेगी उसी पर, तो जब गत होगी तो क्या लगाओगे, हाँ। ऐसे कहा बेटा द टीचर
was sitting dash dash that table in the class. The teacher was sitting dash dash that table in the class. क्या बोल रहा? आंध्र. आन का मतलब समझे नहीं? जैसे लिखा हुआ ये राहुल बेंच पर अकेले बैठे हैं, अकेले बैठे हैं तो लगेगा क्या? आन. लेकिन उस पर और दूसरी एक स्टूडेंट बैठेंगे तब ऐसी स्थिति पर क्या लगेगा? एट. अब आन का मतलब चाहे यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, चाहे यहां बैठे, यानी पूरी बेंच खाली है, उस पर केवल एक लड़का बैठा है, क्या? राहुल. लेकिन अगर और लोग बैठे होंगे तो वहां पर क्या पोजीशन लगेगी? एट. क्यों एट लगेगा? क्योंकि छोटकी जगह बैठा होगा, एट पढ़ा चुके नहीं ना? तो टीचर है कक्षा में बैठा है तो टेबल पर, तो दो चार मास्टर और बैठे होंगे, अकेले बैठा होगा, अकेले बैठा होगा, इसलिए वहां पर क्या लगेगा? कभी कभी देखते नहीं हो कक्षा में अध्यापक महोदय टेबल पर बैठ पढ़ाते हैं, तो टेबल पर वह क्या बैठे होंगे? अकेले की दो तीन चार बैठे होंगे, एक बैठे होगा, इसलिए वहां पर क्या लगेगा? आंग. वैसे कहा द बुक इज डैश डैश द डेस्क. बोलो क्या बोलोगे? द बुक इज ऑन द डेस्क, यानी डेस्क के ऊपर किताब पड़ी. लेकिन जैसे कहा द कैलकुलेटर इज लाइंग डैश डैश द टेबल. क्या बोल रहा? ऑन द टेबल. किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, टच हो, उस पर वह चाहे खड़ी हो, चाहे उसी पर क्या कर रही हो? गत कर रही हो. इस स्थिति पर क्या लगाओ? अगला पॉइंट देखो बेटा. जैसे लिखा बेटा द, जैसे लिखा बेटा सी वाज टेकिंग एन ऑमलेट डैश डैश द क्रॉसरोड. बोलो आप बताइए, क्रॉस रोड चौराहे पर ऑमलेट घूम घूम के खाएगी? एक जगह खड़ी हो खाएगी, घूम घूम खाएगी, तब घूम घूम के नहीं खाएगी ना, एक जगह खड़ी हो खाएगी, तो यहां पर लगेगा क्या? एट. ठीक है. लेकिन क्या होगा? एट क्यों लगेगा? समझा ना, छोटकी जगह पूरे क्रॉस रोड पर घूम घूम करके अगर वह ऑमलेट खाती है तब आप आन लगा देना, चूंकि वह आमलेट खाएगी एक जगह खड़ी होकर खाएगी, इसलिए आपको वहां छोटकी जगह क्या लगाओगे? एट. लेकिन कहा गया बेटा ही वाज बीइंग बीटन डैश डैश द क्रॉस रोड. बोलो क्या बोलो बेटा? ही वाज बीइंग बीटन ऑन द क्रॉस रोड. अब आन तो लगेगा हुआ है, और 10 गुंडे टाइप हैं हाकी लेके उसको दौड़ा दौड़ा चौराहे मार रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पर क्या लगेगा? आन. बीटिंग कहां, बीट कहां हो रहा है? पूरे चौराहे दौड़ा दौड़ा करके, दैट इज कॉल्ड आन. लेकिन अगर ये लिखा गया कि ही वाज बीइंग बीटन डैश डैश द क्रॉस रोड इज, अगर एक जगह घिरा के बुका जा रहा है तब ऐसी स्थिति पर वहां क्या लगाओगे? एट. आन कहां लगाओगे, एट कहां लगाओगे, समझना क्या? इसे कहा बेटा द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश डैश द बेंच इन द क्लास.
तो स्टूडेंट्स होंगे, बेंच बैठे होंगे, तो एक बेंच पे और सारे स्टूडेंट होंगे, तब ऐसी स्थिति पे वहाँ क्या लगेगा हाइट, क्योंकि वहाँ पर छोटकी जगह पर बैठा हुआ। तो इन और एट क्लियर हो गया कि ऐसे कहा गया द वेंडर वाज सेलिंग द बुक्स डैश डैश द प्लेटफॉर्म। बोलो क्या बोलोगे? द वेंडर वाज सेलिंग द बुक्स ऑन द प्लेटफॉर्म। पूछो क्यों? क्योंकि वह घूम घूम करके बेचेगा। वेंडर माने विक्रेता, जो घूम घूम करके बेचते हैं, इसी स्थिति क्या लगेगा? हाँ, पूरे प्लेटफॉर्म पर घूम घूम करके बेचेगा, दैट इज कॉल्ड ऑन। लेकिन दुकानदार है, द शॉपकीपर वाज सेलिंग द बुक्स डैश डैश द प्लेटफॉर्म। बोलो इस स्थिति पर क्या लगेगा? एट। क्योंकि देखते होगे प्लेटफॉर्म पर दुकानें होती है किताब की, तो वह एक जगह खड़ा होकर के या बैठ करके बेचेगा, ऐसी स्थिति पर छोटकी जगह हो जाएगी, वहां पर क्या लगाओगे? एट। और जब घूम घूम करके बेचेगा, वही का ना हाकी लेक चौराहे दौड़ा दौड़ा मारोगे तो वहां पर क्या लगेगा? आन। अरे दबंग पिक्चर वाला। लेकिन एक जगह ग्राहक मारोगे तो वहां पर क्या लगेगा? एट। क्यों ऐसा? अरे छोटकी जगह के लिए क्या लगाते हैं? एट। अब पूरे चौराहे पक्का ये क्लियर हो गया? जैसे कहा ना द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश डैश मंडे। अब मंडे इतना बड़ा दिन है, अब यहां से शुरू होगी परीक्षा, यहां शुरू होगी, यहां शुरू होगी, यहां कहां शुरू होगी, ये लिखा नहीं है। तब ऐसी स्थिति में एक आप बेंच है, बेंच पर अकेले बैठाओगे क्या लगेगा? अकेले बैठाओगे ये निश्चित नहीं है, तो क्या लगेगा? एट। और नहीं अकेले नहीं, अकेले बैठाओगे क्या लगेगा? आन। लेकिन और लोगों को बैठा दोगे क्या लगेगा? एट। क्योंकि छोटकी जगह यहां पर पूरा मंडे है, लेकिन यहां टाइम फिक्स नहीं किया गया कब से है, तब ऐसी स्थिति पर क्या लगेगा? आन। पूरे मंडे पर बैठा एग्जामिनेशन, तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? जैसे कहा बेटा सी कांग्रेचुलेटेड मी डैश डैश सी कांग्रेचुलेटेड मी डैश डैश माई सक्सेस। क्या बोलोगे? मेरी सफलता, मेरी सफलता पर भरा जाए, क्या भरा जाएगा? तो ऑन पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएं यार बेटा अपान क्या है, नोट कर लो यार। आन समझ में ना, किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, टच ना हो, वह वस्तु उसी पर खड़ी हो अथवा उसी पर गत कर रही हो, दैट इज कॉल्ड आन। जैसे ये ठोक लो द ट्रेन रैन फास्ट, अब गति होगी ना, डैश डैश इट्स ट्रैक। बोलो क्या बोलोगे? द ट्रेन रैन फास्ट ऑन इट्स ट्रैक, क्या भरा जाएगा? ऑन। अरे ट्रैक माने वही जो रेल की पटरी होती है ना, उसको ट्रैक बोलते हैं। तो ट्रैक पर चाहे वो खड़ी है और चाहे उसी पर गत कर रही है, इस स्थिति पर क्या लगा होगा? ऑन। तो ऑन पॉइंट क्लियर हो गया पक्का, कॉन्फिडेंस आगे। यह अपान क्या है समझो, समझाना पड़ेगा। अप धन आन बराबर अपान, देखो अप धन आन बराबर अपान। अप माने ऊपर, आन माने ऊपर, ऊपर ऊपर, इस स्थिति पर क्या लगता है अपान? देखिए समझे, इधर
यह एक टेबल है, है, और यह कुकुर है, ठीक है। जैसे यह एक टेबल है, यह कुकुर है। द डॉग जंप्ड, बताइए गलत है क्या? अरे कुत्ता उछला, लंबी कूद कूद गया। फिर देखो, दैट यह टेबल है, यह कुकुर है। द डॉग जंप्ड अप, अरे यार रोटी ऐसे दिखाते हो तो कुत्ता नीचे से ऊपर चलता है। इस स्थिति पर क्या लगता है बेटा? द डॉग जंप्ड अप। फिर देखो, यह टेबल है, यह डॉग है। द डॉग जंप्ड अप, यहां तक तो अप हुआ। अप से ये आन पर जब आएगा, ये दैट इज कॉल्ड अपान, यानी कि अप से आन पर आने पर क्या होगी? गति होगी। तो ये जो गति है, ये दैट इज कॉल्ड अपान। द डॉग जंप, कुत्ता उछल गया, क्या प्रॉब्लम है? सही है। द डॉग जंप्ड अप, कुत्ता ऊपर उछला। रोटी खाते हो नीचे से ऊपर चलता है, तो द डॉग जंप्ड अप। लेकिन अब देखो, द डॉग जंप्ड अप 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 ऑन द टेबल, ये देखो अप से जब आन पर कोई चीज आती है, ये जो गति है दैट इज कॉल्ड अपान। इसे कहा बेटा, लिख लो, द डॉग जंप्ड डैश डैश द टेबल। बोलो क्या बोलोगे? द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। अब बताइए, कुत्ता यहां सुचला, अप पे गया, अप से जब आन पर आएगा, तो अप से आन पर आने जो गति है, यह गति लिखी गई है। कैसे कूदेगा? नीचे छेद करके यहां बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो दड़ा ऊपर जाएगा, अप से आन पर आएगा, ऐसी स्थिति पर क्या लगता है अपान? इसे कहा बेटा, द कैट एस प्रैंग डैश डैश द बेड, बिल्ली उछली बस्तर के ऊपर। तो अप जाएगी तब तो आन कहेगी, इसलिए कहा जाएगा क्या? अप आन। जैसे कहा बेटा, द रेन ऑफ जॉय, द रेन ऑफ जॉय वाज फॉलिंग डैश डैश हिज हेड, हिज हेड। अब बताइए, बरसात ऊपर से होगी, चाहे पानी बरसात हो चाहे खुशी की बरसात हो, ऊपर से होगी नीचे से बरसेगा पानी? बोलो। तो यहां पर अप से आन पर आएगा तो क्या लगाओगे? अपान। इसे कहा बेटा, द हेल्स रेंड डैश डैश द राइप कॉर्न, पकी हुई फसल, ओले बरसे। तो ओले जो है नीचे से बरसेंगे ऊपर से बरसेंगे? बोलो। अप से आन पर आएगा क्या लगा बेटा? अप आन। समझा बेटा? अप से आन पर जब कोई चीज आती है दैट इज कॉल्ड अपान। ऐसे कहा बेटा, द रेज ऑफ द सन, द रेज ऑफ द सन वर फॉलिंग डैश डैश द स्नोई माउंटेन, स्नोई माउंटेन। तो बताइए, सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे आएंगी नीचे से ऊपर जाएंगी, तो क्या लगाओगे? अप से आन पर आने पर क्या लगाओगे? अप आन। कुछ समझ आ रहा है? कोई चीज अप से आन पर आएगी ऐसी स्थिति पर क्या लगाओ बेटा? अपान का इस्तेमाल करोगे। अप धन आन बराबर अपान। ऐसे कहा बेटा, द कार रैन डैश डैश द स्पीड ब्रेकर। अब समझो, दृश्य समझो, कार आगे आगे जा रही है, पीछे पाठक की साइकिल लगी है, तो देखा आगे स्पीड ब्रेकर पड़ा,
तो कभी कभी देखते हो कि कार का पहिया जो है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से सिर करता हो, पहिया दिखाई देता है कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ रहा है। ऐसी स्थिति पर आप लगाएंगे क्या? अपान। और कभी कभी कार जो है आती है, जैसे कहा था कार रैन डैश डैश द स्पीड ब्रेकर, यहां लिखा है ओवर, तो यह भी सही है। क्यों सही है? ओवर का मतलब कार आई आगे स्पीड ब्रेकर पड़ा, एकाएक ब्रेक मारा ड्राइवर ने, तो देखते हो झप कार ऊपर निकल चली जाती है। इस स्थिति पर क्या लगता है? ओवर। ओवर अभी हम आपको पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन समझो इधर कि यहां पर अपान प्रीपोजिशन बता रहा है कि कार की गति 10 से कम थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम थी, और ओवर बता रहा है कि कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। केवल ये प्रीपोजिशन बता रहे हैं कार की गति, तो आपको ये समझना है कि अपान कब लगे? किसी चीज के ऊपर से। अरे भाई आन तो ये हो गया, आन ये हो गया, अप जो है ये हुआ, आन ये है, अप ये है, इसका अप यही हुआ ना। अप से आन पर जब कोई चीज आती है दिस इज कॉल्ड अपान, नहीं समझे? तो जैसे आपको बताऊंगा, यह देखो पहाड़ी है, एक बार फिर समझो यह क्या है? पहाड़ी। और यह पाठक है, पाठक क्लाइंब द हिल। फिर देखो पाठक क्लाइंब द हिल, यह पहाड़ी चढ़े, पाठक क्लाइंब द हिल, पाठक क्लाइंब अप द हिल, यह देखो अभी अप है, अप है, यह अप है, पाठक क्लाइंब अप ऑन द हिल। जैसे ही ऊपर बिल्कुल टॉप पर से पैर रखोगे क्या लगोगे? अपान। समझा? जैसे कहा गया ही क्लाइंब अप ऑन द हिल, यानी कि वह चढ़ गया कहां पर? पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। लेकिन जैसे कहा गया ही क्लाइंब डैश डैश द ट्री टू प्लक द फ्लावर, दिमाग लगाओ यहां क्या बोले, वह फूल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, यह पेड़ है, तो ही क्लाइंब द ट्री, ही क्लाइंब अप द ट्री, और ही क्लाइंब अप ऑन द ट्री। तो पेड़ के जिसमें फूल होगा उसमें सबसे ऊपर क्या होगी? पाती होगी। तो अगर आप कहते हो ही क्लाइंब अप ऑन द ट्री टू प्लक द फ्लावर, तो लैंड ऑन पे पहुंचोगे, क्लाइंब अप ऑन, तो इसका मतलब टॉप पहुंच गए, जिससे टॉप पहुंचे खड़बड़ा गिरोगे नीचे, हाथ पांव जो है बराबर हो जाएंगे, हड्डी पर से टूट जाएगी। तो यहां पर बताइए क्या लगाया जाए? तो ही क्लाइंब अप, ही क्लाइंब अप, आप सही है, और आन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? आन तो यहां पहुंचा देगा ना, यहां पहुंचा देगा तो आप हाथ पांव टूट जाएगा, तो ही क्लाइंब अप यहां क्यों लगी है? एक और ऐसे कहा गया सी डिपेंड्स डैश डैश मी, और सी डिपेंड्स डैश डैश मी, एक मर दो आन और दूसरे मर दो अपान, दोनों आप सही उठे, लेकिन दोनों के अर्थ में क्या है अंतर? आप दोनों पढ़ोगे सी डिपेंड्स आन मी, सी डिपेंड्स अपान मी, दोनों के अर्थ में अंतर। देखिए समझे, जैसे सी माने वह है और एक मैं हूं, दोनों लोग एक ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर का काम है दोनों का, तो वह सारा काम कर लेती है, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर में फंस आती है तो मेरी मदद लेती है। ऐसी स्थिति में सी डिपेंड्स अपान मी सही है,
लेकिन एक नान की बच्ची है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी वह सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करती है। कपड़ा लत्ता भोजन पानी जितनी भी व्यवस्था है सब वो मेरे ऊपर डिपेंड करती है। ऐसी स्थिति पूरे के पूरा आज स्थिरता जब रहेगी तब ऐसी स्थिति में क्या लगेगा आन, और कभी कभार जब वो डिपेंड करती है तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है अपन, ठीक है दोनों वाक्य। तो यह हमने आपको आन और अपान के बारे में क्लियर किया। हमारी समझ से आपको विश्वास, हमें विश्वास है कि आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा आन और अपान।